अस्सलाम वालेकुम। आज गल सी कुछ कंपनी के वीजे पाकिस्तान गए पे ने मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे को सवाल किया क्या उन्हें कंपनी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहली कंपनी अल राशिद, अल राशिद ट्रांसपोर्ट के वीजे गए पे पाकिस्तान। एक कंपनी है अल जैरी। मैं उन्होंने दोस्तों को यह गल कर सा कि भाई तुम इन दोवे कंपनी जो आ सकते हो, जो थोड़ी दिल करे उस आ सकते हो। कंपनी दोवे ठीक है, सैलरियां तुम्हें पता बेसिक सैलरी जी आती ना ट्राले ड्राइवर तकरीबन 1500, 1100, 1200 या 1600 आती है। इन कंपनी तनखावें मुख्तलिफ हैं, बेसिक जी सैलरी है प्लस ट्रिप वो एक अलहदा चीज़ है। वो हर कंपनी का अपने अपने पर डिपेंड कर जाता कि कितना एक सफर कितना एक ट्रिप दे रही है। इन दोवे कंपनी कोई कमी नहीं है, ट्रांसपोर्ट ही माशाला बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान वीजे लाहौर पे इन्हें दोवे दे, इन दोवे कंपनी बेशक जेड़ा दिल करे आ जाओ। लेकिन वजह है कि यह है कि रिटर्न ड्राइवर चाहिए जिन्हों को ऑलरेडी सऊदी अरब का हैवी लसेंस नकल स्केल वड्डा लसेंस जिन्हें को है वह इस कंपनी आ सकते। बाकी रह गई गल इस फ्रैश बंदे बिल्कुल नहीं लै रही कंपनी विच। फ्रैश बंदे मेरे को सवाल किया मेरी पिछली वीडियो के जी, मैं वीडियो पहले अपनी कंपनी ने बना चुका ट्रांसपोर्ट के मुताबिक या एक सेफ्टी के मुताबिक या एक रोड के चलने के हिसाब से मैं बनाई वीडियो दे, मेरे को सवाल किया गया कि फ्रैश वीजे क्या है कंपनियां लैंदियां या जिस कंपनी तुम काम कर रहे हो उस फ्रैश वीजे ड्राइवर लै रही है। भाई मेरा सवाल जो जवाब है ना वो है कि इन दोवे कंपनी के रिटर्न ड्राइवर लै रही, फ्रैश ड्राइवर इन कोई नहीं लै रहे। जेड़े मेरे भाई रिटर्न हैं वो इस वेलकम आ सकते हैं। फ्रैश गल फ्रैश वीजे के जेड़े ना वो अबू सरद कंपनी ने गए हुए हैं, लेकिन अबू सरद कंपनी की मेरे को इतनी खास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि अबू सरद के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, उस बसा भी हैं, उसके डंपर भी हैं, उसके ट्राले भी हैं, वह मुख्तलिफ काम है, उसकी कोई समझ नहीं है। लेकिन वो फ्रैश पिछले दिन वीजे गए हुए हैं अबू सरहद के। फिर बिच मेरे को सवाल किया गया कि जिस कंपनी तुम आने गए तो वीजे अवेलेबल हैं जी? भाई इस वीजे बिल्कुल रावलपिंडी अवेलेबल है अल खालदी ट्रांसपोर्ट दे, तुसी बेशक इस भी आ सकते हो। लेकिन जेडे बंदे फ्रैश सोच रहे ना आने वास्ते सऊदी अरब वास्ते मेरी चंद एक थोड़े सारे जी ना है अपना उन्होंने को मैं सवाल भी कर सकता, उन्होंने सवालों में मैं जवाब बिल्कुल उन्होंने खुद ही दे सा। एक तो भाई मेरे लसेंस बहुत मुश्किल हो गया जेडे फ्रैश बंदे सोच के आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट के काम के, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के इस टाइम सऊदी अरब ड्राइविंग लसेंस बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि सख्ती हो गई है और लसेंस एक अपने मियार के मुताबिक लेना पाता, यानी कि तुम जितने को टेस्ट या जितने को मुश्किल हो गई है ना वो पास करने ही करने ता ड्राइविंग लसेंस मिलना है। फिर एक मेरे को सवाल किया गया, एक भाई ने मेरे को कि भाई मैं डंपर ड्राइवर हाँ, क्या मैं डंपर ड्राइवर आना चाहिए? जी भाई बिल्कुल तुम भी आना चाहिए डंपर के, लेकिन भाई तुम फ्रैश हो और डंपर से तकरीबन कम आता सारा लोकल सही है, क्योंकि उस मेन रोड से बहुत घट चलता क्योंकि सज्जे खब्बे कच्चे वगैरह चलता रहता। अगर तुम्हारी कंपनी है सही, एक कंपनी से डिपेंड करता क्या वो लसेंस बनवाई है, वह लसेंस बनवावे कोई मसला नहीं, वरना तुम लसेंस खुद ही बनवाना पैना आप। बाकी जेडे हालात इस टाइम पाकिस्तान के चल रहे हैं या पूरी दुनिया के उस हिसाब न जितनी साड़ी को करंसी है उस हिसाब से तुम बेशक आ सकते हो, क्योंकि वजह यह है कि अगर इतने 2000 रियाल ही बचाते हो या 1500 रियाल ही बचाते हो तो मेरे ख्याल तकरीबन 50-55 हज़ार पाकिस्तान आराम बच जाता। सही होगा इतने रह के भी इतना पाकिस्तान कमाना बहुत मुश्किल हो गया थोड़ा सारा। पाकिस्तान में इन्हें हर दुनिया के अपना अपना एक सिस्टम है, अपने अपने मुल्क का अपना अपना निज़ाम चलता पिया। इस वास्ते भी तुम ये खासकर जो राशिद ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई या अल जैरी हो गई, भाई तुम बेशक आओ वेलकम अपना। तुम अगर रिटर्न ड्राइवर हो तो मेरे ख्याल तुम होर औखा काम कौन नहीं आना, क्योंकि वजह यह है कि जो रिटर्न ड्राइवर होंगे उसू राह या उसू कोई चीज़ का लोडिंग या ऑफ लोड या अगे पिछे मूव आना उस वास्ते कोई मुश्किल नहीं है। मैं आखिर चल एक छोटी जी वीडियो बना दे भी है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल मेरे को व्हाट्सएप से या मैसेंजर से या वीडियो के कमेंट पूछते हैं, उत्ते बार बार जवाब देना या बंदा थोड़ा किस टाइम मसरूफ ही होता,
वो थोड़ा सारा मुश्किल हो जाता। इस वास्ते मैं स्पेशल वीडियो बनाई है। और हाँ, जेड़े अलजेरी ते अल राशिदी ते वीजे पैन ना और लाहौर पैन, और मैं उस बंदे दा तो नंबर वीडियो दे जरूर दे दसा एंड दे या डिस्क्रिप्शन नंबर उसी या अपना तो मैं वीडियो दे नंबर दे दसा। एक और भी गल यार, ते कम अज कम चलो चैनल लाजम सबसक्राइब करना, क्योंकि इस तो बाद गल नहीं बननी, लाजम करना इस हर हाल च। मेरे ख्याल से जिन्हें नहीं की तो कर लो, मेहरबानी कर लो। देखे जेडे हुण हालात चलते पे ना ट्रांसपोर्ट लेवल दे, काफ़ी सारे मेरे विरा पुछते हैं कि यार सैलरी बेसिक कितनी आती है। भाई सैलरी तकरीबन ट्रांसपोर्ट 1100 तो लैके तकरीबन 1500-1600 बेसिक सैलरी आती, जी थोड़ी ऑलरेडी तुम मिलनी मिलनी है। उस तो बाद थोड़ी मेहनत होनी है, तुम कितनी गड्डी चला सकते हो, तुम कितना सफ़र कर सकते हो, तुम कितने का ट्रिप लेंदे हो, उस मुताबिक बाकी सिस्टम बनता है। ठीक हो गया, ये गल तो खत्म हो गई। बाकी कंट्रैक्ट जो बंदे सोचते हैं, खासकर नवे आते हैं, भाई कंट्रैक्ट का क्या हिसाब है? भाई कंट्रैक्ट तकरीबन कंपनियां 2 साल करा दी, उस तो बाद छुट्टी जानी या फाइनल जाना वो थोड़े आप उत्ते डिपेंड करेंदा कि तुम्हें क्या करना है। ठीक हो गया। बाकी कटौती की गल, भाई कटौती तकरीबन हर जगह पर होंगी है। भाई कोई भी चंगी जी कंपनी जिस भी आ जाओ ना, कटौती अगर वो ना करें कंपनियां तो भाई सिस्टम खराब हो जाता। ड्राइवर तुम पता है, ड्राइवर अपने काम तो बाज नहीं आता। यह भी सवाल मेरे को बड़ा किया गया कि यार कंपनियां कटौती कर दी नहीं कर दी, सैलरिया के क्या हिसाब है? भाई कटौती कर दी कंपनियां, क्योंकि वेखो अगर थोड़ी गलती है तो फिर कटौती होनी है, थोड़ी गलती नहीं है तो भाई कोई कटौती नहीं होनी। एक गल भी खत्म हो गई। दूसरी गल आ गई, भाई जी है ना जो बड़िया कंपनियां वो कभी सैलरी नहीं रख दियाँ, सैलरी तो टाइम पर देनी ही देनी है। बाकी जो हूँ ट्रिप सिस्टम है या सैलरी सिस्टम हूँ तकरीबन कार्ड है आता पाया अजकल, ठीक ऑनलाइन कर दिता गया, वो निज़ाम बहुत जबरदस्त कर दिता इन्हें। बाकी हर बंद का अपना अपना नसीब आता। तो मेरे ख्याल वीडियो बहुत लंबी होती पई है, तो यह सिर्फ वीडियो मेरे पाकिस्तानी भराओं वास्ते, जो कम अज़ कम है पाकिस्तान बह के सज्जे खबे मशवरा लेंदे पैन, उन्होंने बेहतर है कि तुम भाई अच्छी जी कंपनी वेखो। इस कंपनी दो कंपनी मेरे को बारे बहुत पूछा गया, मैं आके चल इस वीडियो बना दसा।